बांग्लादेश के खिलाफ बुधवार को यानी कि आज टी20 वर्ल्ड कप 2022 के अहम मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारने की कोशिश की। भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में अपने एक बेहद खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री कराई थी। आज उन्होंने भारत को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच हर हाल में जीतना जरूरी था भारत के लिए, और आज भारत की जीत हुई। नहीं तो साल भर की जो भारत की मेहनत थी वो पानी में फिर सकता था। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मैच में अक्षर पटेल के ऊपर 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए ऑलराउंडर की भूमिका अदा करने की भी जो जिम्मेदारी होगी, वही अक्षर पटेल अपनी कातिलाना गेंदबाजी और फील्डिंग से भी कहर उन्होंने आज मचाया। वही बता दें कि रोहित को भी अक्षर पटेल से टीम इंडिया को जीत दिलाने में जबरदस्त मदद मिली है। वही रोहित शर्मा ने दीपक हुड्डा को बाहर कर अपनी सबसे बड़ी गलती को सुधारी है। वहीं पर आपको बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मैच में दीपक हुड्डा की जगह कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल को मौका दिया है। रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में अक्षर पटेल की जगह प्लेइंग 11 में दीपक हुड्डा को लेकर वो नाखुश साबित हुए और इसका फायदा उनको नहीं मिला, नुकसान उठाना पड़ा उनको। दीपक हुड्डा बल्लेबाजी करते हुए शून्य पर ही ढेर हो गए और पूरे मैच में ही एक भी ओवर गेंदबाजी तक नहीं कर पाए। वही साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा, और आपको बता दें इसका सबक लेते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने आज बांग्लादेश के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मैच में अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में वापसी कराई और दीपक हुड्डा को बाहर का रास्ता दिखाया।